और इस बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों की पुलिस की मुठभेड़ चौहारा अंडरपास के पास हुई है। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश मौके से फरार हो गए हैं, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों से एक कार, तीन तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश लूट के मामले में भी शामिल थे। संवाददाता तरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, ये पुलिस और बदमाशों के बीच पांच बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इन्होंने कल ही दो दिन पहले जो खेल भारतीय जीएम थे उनको बंधक बनाकर और पट्टी बांधकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। जब प्रबंधक ने जो जीएम था उन्होंने जब इन्होंने पिन कोड नहीं बताया तो उसके साथ पीछे और हथौड़े से वार किया था, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इसके बाद जो ग्रेटर नोएडा के बीटा टू थाना क्षेत्र में उनको फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस लगातार टीम लगी हुई थी, जिसके बाद पांच बदमाशों से पुलिस को बड़ी कामयाब हासिल, जो पांच बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है, जिसमें जो दो बदमाश मौके से फरार हो गए, तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास तमंचा और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और कारतूस बरामद हुए हैं, नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है यही वो बदमाश है जिन्होंने लूटपाट की थी। बदमाशों पर करीब तीन दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लूटपाट के मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि हाईवे पर भी ये लूटपाट करते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो बीटा टू पुलिस है उनको बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। पुलिस ने हालांकि इनको गिरफ्तार कर अभी जो घायल बदमाश उन्हें अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आगे की जो इनकी कुंडली खंगालने में जुटी है, कौन कौन बदमाश है। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो दो बदमाश फरार हैं उनकी भी तलाश की जा रही है।